Hello everyone, welcome in this English class. We are doing our functional grammar, and in functional grammar today we discuss our next topic, that is totally related to our writing skills. Till now we discuss our listening skill, reading skills, and now we have to be discuss our writing skills. जब किसी लैंग्वेज की बात करी जाती है तो मेजर लैंग्वेज को कहाँ यूज किया जाता है, लैंग्वेज जो है दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन. हम अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई थॉट्स हैं, कोई आइडियाज हैं, कोई कंसेप्ट है, उसको अगर दूसरे को बताना चाहते हैं, तो ये किसके बिहाफ पर पॉसिबल हो सकता है? ये लैंग्वेज के बिहाफ पर पॉसिबल हो सकता है. और उसी कम्युनिकेशन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, या मैं ये कहूँ कि अलग अलग मोड होते हैं, जिसमें हम वर्बल मोड को अपनाते हैं, वर्बल के साथ साथ जिसके अंदर हम नॉन वर्बल को अपनाते हैं. ठीक है, वर्बल मोड मोड के अंदर हम कहें कि एक ओरल वे से कम्युनिकेट किया जाता है, जो मैं अब आपके साथ कर रही हूँ, किसी चीज के बारे में आपको बता रही हूँ, तो वो थ्रू वर्बल ओरल कोड जो है वो आपसे बात हो रही है और आपके सामने इंफॉर्मेशन रखी जा रही है. लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, ओपिनियंस दूसरे के साथ रखे जाते हैं, तो उसमें कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि वी ऑल्सो यूज द रिटन मोड. दैट मीन्स कि हम अपनी कंसेप्ट को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने कंसेप्ट को दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लेते हैं? राइटिंग का सहारा लिया जाता है. और उसी राइटिंग के अंदर क्या होती हैं? कुछ राइटिंग स्किल्स होती हैं, कुछ कौशल होती हैं, जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है. जब तक हम उन बेसिक चीज़ों को नहीं जानेंगे, तो जो हम इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं वो उतनी इफेक्टिवली या उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी. तो राइटिंग स्किल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो राइटिंग स्किल्स हैं, दीज आर द बेसिक पार्ट ऑफ द लैंग्वेज और द कम्युनिकेशन. प्रॉपरली अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो इंफॉर्मेशन है, हमारे जो कंसेप्ट हैं, वो दूसरे को आसानी से या प्रॉपरली इजिली एक्सप्लेन हो सके, उसको अंडरस्टैंड हो सके, तो इसके लिए हमारे पास राइटिंग स्किल्स का होना बहुत नेसेसरी है. और उसी राइटिंग स्किल के अंदर से आज हम हमारा एक टॉपिक करने जा रहे हैं डिस्कस. वो क्या है? दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस एंड द ऑफिशियल लेटर्स. लेटर क्या होता है? लेटर अगर हम लैंग्वेज के बिहाफ पर बात करें तो लेटर क्या है? दैट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन. हम कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज की जानकारी को दूसरे को देना चाहते हैं तो हम लेटर्स का सहारा लेते हैं. कभी हमें मदर को लेटर लिखना पड़ता है, अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, फादर को लिखना पड़ सकता है, रिलेटिव्स को लिखना पड़ सकता है, कहीं दूर रहते हैं तो वहां से लेटर लिखना पड़ता है, किसी भी कंपनी के अंदर कोई पर्सन वर्क कर रहा है तो वहां पर भी लेटर्स का सहारा लिया जाता है, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी आप देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स जो है वो आते हैं. लेटर्स जो है वो होता क्या है? लेटर्स जो है इज अ फॉर्मल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. इसे कहीं ना कहीं क्या माना जाता है? इट इज अ लेटर इज अ फॉर्मल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लेटर्स का सहारा लेना पड़ता है. अब बात आती है कि आगे जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स को फर्दर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एक क्या होते हैं? हमारे बिजनेस रिलेटेड लेटर्स होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं हमारे इसके अंदर, जो कि ऑफिशियल वर्क के लिए यूज किए जाते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं. लेटर्स, जस्ट आप समझिए कि लेटर्स क्या हो गया? एक फॉर्मल मेथड हो गया कम्युनिकेशन करने का. उसको दो टाइप से हम कंसिडर कर सकते हैं, बिजनेस लेटर्स के बिहाफ पर कंसिडर कर सकते हैं और ऑफिशियल लेटर्स के बिहाफ पर कंसिडर कर सकते हैं. बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं? हम सबसे पहले आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे बिजनेस लेटर्स जो हैं वो क्या हैं और किस तरह से इस लेटर को फॉर्म किया जाता है, क्या इसका बॉडी स्टाइल है, किस तरह से हमें इसके अंदर लिखा जाना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए. तो बिजनेस लेटर क्या हो गया?
also a formal method of communication. कम्युनिकेशन के अंदर फॉर्मल मेथड लेटर, लेटर का शब्द जब आता है तो आप सबके दिमाग में एक फॉर्मेट, एक उसकी पिक्चराइजेशन हो जाता है कि एक हेडिंग लिखी जाती है, फिर डेट्स लिखी जाती हैं, फिर सर लिखा जाता है, डियर सर, फिर हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर छोटा सा एक पैराग्राफ होता है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है और लास्ट में हम उसको क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि बिजनेस लेटर को जब लिखा जा रहा है तो हमें किन चीज़ों का उसको ध्यान रखा जाना चाहिए। एक और खास बात कि जो बिजनेस लेटर हैं, जो लेटर हैं, इनका मेन मकसद क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को इंफॉर्मेशन देना। इसके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को भी दी जा सकती है और उसके साथ साथ पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या है, इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। बिजनेस लेटर की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। कैन बी शेयर पर्सनली भी हो सकती है और होल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है। अब हम ये देखें कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किन मेजर चीजों को ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले वो कहता है नो यूज ऑफ प्रोवर्ब एंड पोएट्री। किसी भी प्रकार के प्रोवर्ब को, पोएट्री को जो है हमें यूज नहीं करना है इसके अंदर, हमारे ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर के अंदर, ठीक है। और उसके साथ साथ देयर इज नो यूज ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। लेटर को जब लिख रहे हैं तो लेटर के अंदर किसी भी प्रकार की इडियम या फ्रेज नहीं यूज करते। इडियम और फ्रेज क्या चीज हो गई, कोई भी मुहावरा है, कोई कोक्ति है, उन चीजों को यूज नहीं किया जाता। उसके साथ साथ वो कहता है कि जितने भी सेंटेंस इसके अंदर यूज किए जाने चाहिए, दैट ईच सेंटेंस शुड बी सिंपल एंड क्लियर। ईच सेंटेंस शुड बी क्लियर एंड सिंपल। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को कम से कम यूज किया जाना चाहिए क्योंकि मेन मकसद लेटर का क्या है, टू गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट। हम किसी भी कंसेप्ट के बारे में दूसरे को इन्फॉर्म करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमेशा जो सेंटेंसेस हैं वो क्या होने चाहिए, आपके सिंपल होने चाहिए, और सिंपल के साथ साथ वो कैसे होने चाहिए, क्लियर जो है वो इसके अंदर यूज किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ जो लेटर है इट शुड बी फोकस ऑन मेजर एरिया और पर्सन। जो मेजर फोकस पॉइंट है, एरिया है, जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है उसी चीज के बारे में जो है वो लेटर बात करे। इससे ज्यादा उसके अंदर फालतू कोई भी बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। तो ये क्या है हमारा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें क्या है ध्यान रखना है, या हम ये कह सकते हैं कि बेसिक क्वालिटीज ऑफ बिजनेस लेटर। एक बेसिक बिजनेस लेटर की क्या क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए, ये हमने जो है वो यहां पर देखी है। ये कौन कौन सी कहता है, सबसे पहले वो कहता है कि किसी भी तरह की पोएट्री या प्रोवर्ब को हमें यूज नहीं करना है जब हम लेटर को लिख रहे हैं। इडियम या फ्रेजेस हैं ये भी हमारी यूज नहीं होनी चाहिए। जितने भी सेंटेंसेस किसी भी लेटर में यूज हो रहे हैं, द सेंटेंसेस शुड बी क्लियर एंड सिंपल होने चाहिए। और उसके साथ साथ वो कहता है कि दैट फोकस ऑन द मेजर एरिया, जिस चीज के बारे में लेटर के बिहाफ पर बातचीत हो रही है उसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका बॉडी स्टाइल के बिजनेस लेटर को किस तरह से लिखा जाता है।
बॉडी स्टाइल जो है वो लेटर का क्या है। तो किसी भी लेटर के बॉडी स्टाइल को जब हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, रेफरेंस नंबर, उसके बाद इसमें आती है डेट, डेट को लिखा जाता है, फिर आता है इसके अंदर इनसाइड एड्रेस, उस एड्रेस में नेम लिख सकते हैं हम पर्सन का, नेम के साथ साथ प्लेस इसके अंदर जो है वो लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हेडिंग, फिर आता है इसके अंदर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद हम क्या बनाते हैं, दैट इज द मेन बॉडी लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर जिसके अंदर मेजरली जो है वो हम दो पैराग्राफ्स को यूज कर सकते हैं, कम से कम इंफॉर्मेशन देनी है तो दो इससे ज्यादा जो है वो पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वो इसके अंदर कहता है जब हमने बॉडी लेटर लिख दिया उसके बाद हमारा आता है इसमें दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को लिख रहे हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, जो सेंडर है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसका नेम आ जाएगा, उसका डेजिग्नेशन आ सकता है और उसका क्या आ जाएगा, सिग्नेचर जो है हम लिख सकते हैं। अब हम इसके इसमें देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है आपको, रेफरेंस बताया गया है। तो रेफरेंस, रेफरेंस नंबर का मतलब क्या होता है, रेफरेंस नंबर क्या है, दैट इज द इनिशियल, इंक्लूड्स द इनिशियल ऑफ द राइटर्स एंड द टाइपिस्ट, कि किसके थ्रू लेटर लिखा जा रहा है वो यहां पर डिटेल आएगी कि कहां से लेटर आ रहा है, ठीक है। फिर हम दिखाते हैं इसके अंदर डेट कि किस डेट को लेटर जो है वो लिखा जा रहा है। नेक्स्ट आता है इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस किसको वो लेटर जो है वो लिखा जा रहा है, किस कंपनी को लिखा जा रहा है, किस इंस्टीट्यूट को लिखा जा रहा है, क्या चीज जो है वो लिखी जा रही है। फिर आती है हेडिंग, हेडिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि हेडिंग के अंदर हम जो है दैट इज गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द लेटर और इंफॉर्मेशन, कि यहां हम कंटेंट जो लिखने जा रहे हैं बॉडी लेटर के अंदर उसकी एक जस्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि किस चीज के लिए लेटर लिखा जा रहा है। नेक्स्ट वो कहता है यहां पर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जिस भी पर्सन को लेटर लिखा जा रहा है, राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन और यू कैन से डियर सर, डियर मैम, इस तरह से हम वहां पर लिखते हैं, तो वो चीज जो है वो किस में आती है, हमारी सैल्यूटेशन के अंदर जो है वो आती है। फिर आता है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है हम लेटर के कंटेंट को दिखाएंगे, जो बॉडी ऑफ लेटर है वो क्या है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यही हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस चीज के लिए लेटर जो है वो लिखा गया है, लेटर का स्टाइल जो है हम क्या चूज करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर कोशिश करी जानी चाहिए कि इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ्स के अंदर दिया जाना चाहिए, कम से कम दो पैराग्राफ्स हमें इसके अंदर बनाने चाहिए। और लास्ट में क्या आता है हमारा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को हम क्या कहते हैं कि जहां हम कहें कि द कस्टमर टू द एंड ऑफ द लेटर, जहां लेटर का क्या किया जाता है एंड, तो एंड के अंदर आप क्या देखते हो, सिग्नेचर आते हैं पर्सन के, जो नेम पर्सन है जिसके थ्रू लेटर लिखा जा रहा है उसकी डेजिग्नेशंस को मेंशन किया जा सकता है, और हम डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देते हैं, एनक्लोज कर दिया जाता है, जैसे मेल के अंदर आप देखते हो तो एनक्लोजर कर दिया जाता है कि प्लीज फाइंड दिस एनक्लोजर, वहां पर वो चीज जो है वो निकाली जाती है। तो ये क्या है,
दैट इज द बॉडी स्टाइल ऑफ अ बिजनेस लेटर. अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से इस बॉडी स्टाइल के बिहाव पर लेटर को लिखा जाए. तो हमारे पास एग्जांपल है, राइट अ लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर वुडन फर्नीचर. राइट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर वुडन फर्नीचर. ठीक है, तो इसी स्टाइल को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे इसके अंदर. तो सबसे पहले क्या है, आप इसके अंदर क्या देखेंगे, सबसे पहले रेफरेंस नंबर आएगा, मींस कहां से वो लेटर लिखा जा रहा है. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल, कि 183 हाउस नंबर हो गया, दैट इज नेहरू बिहार न्यू दिल्ली. तो ये क्या हो गया, हमारा रेफरेंस नंबर हो गया कि कहां से उस लेटर को लिखा जा रहा है. उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, इसके अंदर डेट दिखाएंगे. फॉर एग्जांपल हमने ले ली 14 जुलाई 2021. आप डेट को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और इसके साथ साथ इसे आप जुलाई 14 2021 इस तरह से भी मार्क जो है वो किया जा सकता है. किसी भी फॉर्मेट में हम डेट को जो है वो लिख सकते हैं. ठीक है, फिर क्या आएगा इनसाइड द एड्रेस, कि वो एड्रेस मींस किसको जो है वो लेटर लिखा जा रहा है. तो वुडन फर्नीचर मंगाने हैं, दैट मींस हम किसी कंपनी को लिखेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, द मैनेजर. मैनेजर हो गया जिसको हम लिख रहे हैं, कहां का कोई भी आप ले सकते हो, वुडन एजेंसी हो सकता है उसका नाम, जो एजेंसी है वो आ जाएगी यहां पर. ठीक है, कहां, दैट मींस दिल्ली. तो ये क्या हो गया हमारा पूरा का पूरा इनसाइड एड्रेस जो है हमने मेंशन कर दिया. फिर हम क्या लिखेंगे, हेडिंग. हेडिंग में क्या चीज आएगी हमारी, सब्जेक्ट, कि किस चीज के रिगार्डिंग लेटर को लिखा जा रहा है. तो हम किस चीज के रिगार्डिंग लिख रहे हैं, वुडन फर्नीचर के ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, तो प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर वुडन फर्नीचर. Placing an order for wooden furniture. तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट आ गया यहां पर. फिर हमारे क्या आएगा, दैट इज द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मतलब ये किसे हम लिख रहे हैं, तो हमने क्या मेंशन कर दिया, डियर सर. नेक्स्ट क्या आएगा हमारा बॉडी ऑफ लेटर, जहां हम इंफॉर्मेशन देंगे कि आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू विल काइंडली सप्लाई मी द फॉलोइंग वुडन आइटम. आई शैल बी ग्रेटफुल ग्रेटफुल इफ यू विल kindly supply following wooden furniture. तो इसमें जैसे हम टेबल बना देंगे, टेबल हो गया नंबर टू पे, चेयर हो गया नंबर थ्री पे, बेड हो गया. ओके, तो इस तरह से हमारी ये चीज आ जाएगी. फिर इसको हम क्या करेंगे, एंड करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सी यू आर रिक्वेस्टेड टू सी देम थ्रू कैरेज. कि वो किसमें जो है उसको डाल के देंगे, तो हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर रहे हैं, दो पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं. एक हमने ये पैराग्राफ बनाया है, दूसरा हम नेक्स्ट पैराग्राफ बना रहे हैं. यू आर रिक्वेस्टेड टू सी देम थ्रू कैरेज टू द अबव एड्रेस, टू द अबव
your bill will be paid on receipt. Your bill will be paid on receipt. जो रिसिप्ट दी जाएगी उसके हिसाब पर बिल को दे दिया जाएगा. फिर हम क्या दिखाएंगे, दैट इज आर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या आ जाएगा, योर फेथफुली. कोई भी पर्सन का हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं और उसके अगर हम सिग्नेचर करना चाहें तो यहाँ पर हम सिग्नेचर भी मेंशन कर देंगे. तो देखिए अगर हम बॉडी स्टाइल को कंपैरिजन करते हैं तो हमारा लेटर किस तरह से लिखा गया है. सबसे पहले क्या आया है हमारे पास, दैट इज अ रेफरेंस नंबर, कि कहां से वो लेटर जो है वो आया. तो ये क्या है, रेफरेंस नंबर. उसके बाद हमने क्या लिखी है यहां पर, ये क्या है हमारी डेट, कि किस डेट को लेटर जो है वो लिखा गया है. फिर हम क्या दे रहे हैं, द मैनेजर वुडन एजेंसी दिल्ली. ये क्या हो गया, इनसाइड एड्रेस, कि किसको जो है वो लिखा जा रहा है, जहां नेम आ गया, डेस्टिनेशन का नेम आ गया, प्लेस भी जो है वो आ गया, पूरा का पूरा हम यहां मेंशन कर रहे हैं. फिर हम क्या दिखाते हैं, सेट हेडिंग. हेडिंग में क्या चीज आती है, जहां हम जस्ट सिंपल ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी जाती है. तो ये क्या है हमारी, दैट इज आर हेडिंग, जहां हम क्या दे रहे हैं, जस्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्या दिखा रहे हैं हम, सैल्यूटेशन. ये क्या है हमारा, सैल्यूटेशंस. और नेक्स्ट ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, यहां से लेकर और यहां तक, जिसमें हमने क्या लिए हैं, दो पैराग्राफ्स बनाए हैं छोटे छोटे. इसमें आप जो ग्रेटफुल और फर्नीचर हम दे रहे हैं तो ये चीजें जो है वो क्या है, ज्यादा भी बढ़ाई जा सकती है. मैं सिर्फ आपको जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो ये क्या है हमारा, बॉडी ऑफ लेटर. ये बॉडी ऑफ लेटर हो गया और लास्ट में ये चीज जो हमने दी है, योर्स फेथफुली अनमोल. ये क्या हो गया हमारा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. तो इस तरह से हम पूरे के पूरे एक लेटर को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. ये कैसा लेटर हमने सीखा है, बिजनेस लेटर सीखा है. बिजनेस लेटर में क्या खास बात होती है कि उसमें हम जस्ट टू द पॉइंट जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाती है. सबसे पहले आप रेफरेंस नंबर डालते हैं कि कहाँ से लेटर आ रहा है, फिर आप डेट को मैंशन करते हैं, फिर जिसके लिए वो लेटर लिखा जा रहा है उसके एड्रेस को मेंशन करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो नेक्स्ट आगे इंफॉर्मेशन है वो किस चीज के रिगार्डिंग है. ओके, फिर सैल्यूटेशंस दिया जाता है. फिर बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर में हमें पैराग्राफ्स बनाने होते हैं. कम से कम दो पैराग्राफ के अंदर हमें इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए. सेंटेंस इजी और क्लियर होनी चाहिए और उसके साथ साथ एक्सेस में वर्ड्स हमें नहीं यूज करने हैं. और नेक्स्ट हम लास्ट में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम क्या देते हैं कि किसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन दी गई है, उस सेंडर या उस पर्सन का नेम जो है वो यहाँ पर लिखा जाता है या उसकी डेजिग्नेशन या साइन को हम मेंशन करते हैं. तो इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारा बिजनेस लेटर किस तरह से क्या होता है, उसका बॉडी स्टाइल क्या है और उसको हमें किस तरह से लिखना होता है. ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यू हैव टू बी राइट अ बिजनेस लेटर और अ ऑफिशियल लेटर. तो ऑफिशियल लेटर को हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.